Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs that are related to 8th and 9th August. जेड़े भी तुहाडे सिविल सर्विसेज एग्जाम चाहे पंजाब PCS हो, UPSC हो या होर किसी भी स्टेट कमीशन का तुसी एग्जाम दे रहे हो, एवरीवेयर दिस करंट अफेयर्स विल हेल्प यू. ठीक है जी, अगे वधन तो पहला I'll let you know about all the courses that we are running. GS full course जेड़ा है we are starting, जिस तो तुहाडा GS का सारा सिलेबस कंप्लीट किया करवाया जाएगा. ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों विच अवेलेबल है. तुहानू कोई भी क्वेरी है जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, यू कैन गेट द डेमो क्लास ऑल्सो फॉर फ्री. ठीक है जी, उस तो बाद मेंटरशिप प्रोग्राम जिन्होंने असीं नाम दिता है करना कैसे है प्रोग्राम. 3 months का हैंड होल्डिंग कोर्स है टू टेल यू एवरी आस्पैक्ट ऑफ योर प्रैपरेशन. तुहाडी प्रैपरेशन नू कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन करन लई तुसीं किवें आपदी पूरी प्रैपरेशन नू पूरे एक साल नू प्लान कर सकदे हो. ऑल दैट आस्पैक्ट्स विल बी टॉट इन दिस. ठीक है जी, नोट्स किवें बनाने हैं, न्यूज़पेपर किवें पढ़ने हैं, करंट अफेयर इफेक्टिवली किवें कवर करने हैं ताकि एक्चुअली एग्जाम्स च यूज कर पाओ. ऑल ऑफ दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस प्रोग्राम. फाइनली जे तुहाडा सिलेबस कंप्लीट है, तुसी प्रैक्टिस लई टेस्ट सीरीज लभ रहे हो तो पंजाब PCS दे प्रीलिम्स लई यह डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज असीं चलाई है. 15 टोटल टेस्ट है इस च, जिस च हर सब्जैक्ट लई सैक्शनल टेस्ट होंगे एंड दैन एक पंजाब दा फुल लेंथ भी टेस्ट है एंड फाइनली 3 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ इंटायर सिलेबस होंगे. ओवरऑल तुहाडी सारी सिलेबस दा ये प्रिपरेशन जो है 3 टाइम रिविजन करन च हेल्प करेगा. Right, so you have any query regarding any of this program, you can just contact us on this number. We will give you the details that you require. Right, now let's see the topics of today. ये कुछ topics है जिहड़े आपां discuss करांगे. Parliamentary panel ने judiciary दे नाल related कुछ important recommendations दित्तियां हैं. We will see that very important for examination. We can write it in our answers. उस तो बाद Malabar exercise से article आया है, so prelims लई ये important है, इहदे बारे देख लवांगे. दैन इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप च कुछ नवी डेवलपमेंट हुई है, इनू देख लवांगे, इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस दे परस्पेक्टिव तो. फाइनली नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जेड़ा है ये न्यूज़ च है, तो ये बेसिक्स देखांगे. राइट, एंड दैन फाइनली पार्लियामेंटरी पैनल ने एक होर रिकमेंडेशन दी है कि इलैक्शनस च खड़े होने लई एज नू जेड़ा है घट कर दिता जाए. सो वी विल सी कि प्रेजेंट एज क्या है और रिकमेंडेशन क्या की गई है. ठीक है जी, अगे वधन तो पहला प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल विद एज मच एस्पिरेंस एज यू कैन. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. देखो पार्लियामेंटरी पैनल जेड़ा अपना पार्लियामेंट है दैट इज अवर लॉ मेकिंग बॉडी, ਇਹਦੀ बहुत सारी कमिटीज एक्सपर्ट कमिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ बैठदियां हैं. ਤੁਸੀਂ पार्लियामेंट ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚ ਕਰੋਗੇ यू विल गेट टू नो कि बहुत सारी कमिटीज अपनी पार्लियामेंट ਦੀ कुछ तो परमानेंट कमिटीज हैं ਜਿਹੜੀਆਂ हमेशा पार्लियामेंट ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ टाइम ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੇ ਉਹ अपॉइंट कीतियां जांदियां ने. कुछ टैंपररी परपसिस लई बनाईयां जा सकदियां है, किसी स्पैसिफिक इशू नू स्टडी करन लई पार्लीमेंट बना सकती है. ठीक है जी, सो इसे तरीके नाल एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी जिहड़ी है बिठाई गई सी फॉर जुडिशियल ओवरलुकिंग जुडिशियल प्रोसेसिस एंड देयर रिफॉर्म्स. बेसिकली जुडिशरी विच क्या रिफॉर्म्स लिया सकते हैं उन्हां नू स्टडी करन लई यह बनाई गई सी. राइट, सो यह आपकी 133rd रिपोर्ट एक कमेटी जी है प्रेजेंट कर रही है. पहला भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स दे चुकी ऑन वेरियस सब्जैक्ट. नाउ दिस इज द 133rd रिपोर्ट. ठीक है जी, इस दे अकॉर्डिंग इसने 6 रिकमेंडेशंस जड़ियाँ हैं बेसिकली दित्तियां हैं जुडिशरी नू इंप्रूव करन लई. सब तो पहली रिकमेंडेशन इहदी कमेटी दी है कि सोशल डाइवर्सिटी वधाई जावे. जुडिशरी विच डिफरेंट सैक्शनस ऑफ द सोसाइटी दा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी होना चाहिए है. जिवें कि अगर तुसीं एग्जाम्पल लो विमेन दा रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी विच काफ़ी लो है. सुप्रीम कोर्ट च अगर तुसीं जजिस देखो तो विमेन जिहड़ी है ऑलमोस्ट 35 जजिस है अपने जुडिशरी विच सुप्रीम कोर्ट च, एंड उन्हां विचों एक तो ज़्यादा विमेन तुहानूं आई थिंक नहीं दिखेगी. आई मीन अगर तुसीं प्रपोर्शन देखो तो काफ़ी घट है विमेन दी. दैट मीनस विमेन दी अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखिए एवं ही SC STs OBCs या अदर सैक्शनस ऑफ द सोसाइटीज़ दी रिप्रेजेंटेशन देखिए तो वह काफ़ी घट रहेगी. राइट, इसलिए सोशल डाइवर्सिटी नू बढ़ाया जाए, ये फर्स्ट रिकमेंडेशन है. सैकेंड है सुप्रीम कोर्ट दे रीजनल बेंचिस बनाए जान अकॉर्डिंग टू द कमिटी. ठीक है, हुण की है सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली विच है तो जिन्ने भी केसिस है सुप्रीम कोर्ट च जिन्ने भी केसिस जाते हैं यू विल हैव टू कम टू दिल्ली टू यू नो अगर तुहानू हियरिंग ते बुलाया या तुहाडा कोई भी केस है यू विल हैव टू गो टू दिल्ली. ठीक है। सो दिस कैन बी वेरी हेक्टिक फॉर द पीपल हु आर लिविंग फार अवे। तुसी समझ लो तुसी मणिपुर च लै रहे हो, नागालैंड च लै रहे हो, तुहाडा कोई केस चल रहा है, तुहाडियां पेशियां दोबारा पै रहियां है। Every day, every month, you have to come, you have to leave entire work and come for your case into Delhi। ठीक है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा है अपना बर्डन रहिंदा है, रीजनल बेंचेस क्रिएट करांगे तां पेंडेंसी दा इशू भी फाइट कर सकते हैं, डिस्टेंस दा इशू भी फाइट कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेजेस वगैरह दा इशू भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी ने ये सेकेंड रिकमेंडेशन दी है। थर्ड, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि रिटायरमेंट एज जी है जजिस की बढ़ा दी जाए। ठीक है जी, सो करंटली 65 के अराउंड जी रिटायरमेंट एज होंगी है। तो कमेटी क्या कह रही है कि जुडिशरी च अपने काफ़ी पेंडेंसी है। अगर आप आपदे जजिस हुण देखो, वैसे भी लॉन्जिविटी लाइफ की लॉन्जिविटी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट्स, पीपल आर लिविंग मोर, एवरेज लिविंग एज भी बढ़ गई है पूरी सोसाइटी दी, इंडियन सोसाइटी दी। तां कमेटी कह रही है इस परसपैक्टिव नूं ध्यान विच रखदे होए वी कैन इनक्रीज दी एज नाउ। ठीक है, सो जेडे भी जजिस आपां नूं उस एज तो बाद कैपेबल लगदे ने, वो आपां नूं रिटायर नहीं करने चाहिए, उन्हां नूं आपां यूटिलाइज करदे रहिए जुडिशरी दा काम करन लई। ठीक है, सो इस चीज़ नूं जज किवें करांगे कि जज जिहड़ा है वो हजे भी कैपेबल है कि नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ कमेटी ने कहा कि आप एक अप्रेजल सिस्टम एस्टैबलिश कर सकते हैं। जी कोलीजियम है जजिस नूं अपॉइंट करने लई, जी कोलीजियम अपॉइंट होंदी है, कोलीजियम जिहड़ा है वो एक ऐसा अप्रेजल सिस्टम बना सकती है ताकि आप देख सकिए कि जजिस 65 एज तो बाद फिट है क्या, उन्हां नूं कंटीन्यूअस या एक्सटेंशन दित्ती जा सकती है कि नहीं। ठीक है, सो उन्हां दी हेल्थ के बेस ते, क्वालिटी ऑफ देयर जजमेंट डिलीवरी ते नंबर ऑफ जजमेंट्स दैट दे हैव डिलीवर्ड, इन्हां सब नूं मिला के वी कैन अप्रेज देयर परफॉर्मेंस एंड इंश्योर कि ये जजिस नूं कंटिन्यू कराया जा सकता है कि नहीं। ठीक है जी, वेरी सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन। उस तो बाद अनदर एरिया कमेटी ने कहा कि नंबर ऑफ वेकेशंस जिहड़ियां है वो कोर्ट्स दियां घट करनियां चाहिदियां है। अगर तुसीं कोर्ट्स नूं ऑब्जर्व करो, काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां वगैरह होंदियां है, तुसीं कहो समर वेकेशन लई पूरा 1 डेढ़ महीना कोर्ट्स बंद रहते हैं। ठीक है, वैसे भी टाइमिंग्स बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, सैटरडे संडे एंड ऑल काफ़ी इशूज होंगे है। तो कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि साड़ी इन्नी पेंडेंसी है। ठीक है, उस तो बाद लिटिगेंट्स को इन्नी इनकनवीनियंस होंगी है, इन्ना वेकेशंस के करके महीना महीना उन्होंने केसेस जोड़े है पेंडिंग रहते हैं एटलीस्ट। तो इसे कमेटी ने रिकमेंड किया है कि जुडिशरी को खुद ये सोचना चाहिए कि ये जी प्रोविजन उन्होंने वेकेशंस की बनाई है क्या इस कुछ चेंजेस लियाए जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जुडिशरी शुड इटसेल्फ ट्राई टू ब्रिंग दीज रिफॉर्म्स। ठीक है जी, उस तो बाद जुडिशरी विच ट्रांसपेरेंसी लियाउण लई, करप्शन के केसेस नूं घटाउण लई कमेटी ने रिकमेंड किया है कि मैंडेटरी एसेट डेक्लेरेशन होना चाहिए है। जिन्नी भी प्रॉपर्टी संपत्ति एक जज कोल है वो आपदी डिक्लेयर करन, जिवें अपने पॉलिटिशियंस नूं डिक्लेयर करनी पैंदी है, एवें ही जजिस जिहड़े आ वो एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है या तुसीं कह सकदे हो कि पब्लिक अथॉरिटी है, नॉट गवर्नमेंट अथॉरिटी बट पब्लिक अथॉरिटी है, तो उन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी बनदी है टुवर्ड्स दी पब्लिक। ठीक है, फाइनली आपदी परफॉर्मेंस नूं इवैलुएट करते हुए, आपके अचीवमेंट्स ड्रॉबैक्स दसते हुए एनुअल रिपोर्ट हर साल जुडिशरी को प्रेजेंट करनी चाहिए है, जिस विच दे विल डिस्कस वॉट काइंड ऑफ अचीवमेंट्स और वॉट काइंड ऑफ प्रोग्रेस दे हैव मेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 6 मेन रिकमेंडेशंस कीतियां हैं बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। यू कैन कीप दीज रिकमेंडेशंस इन रिटन विद यू, जो भी कोई क्वेश्चन आवे जुडिशियल रिफॉर्म्स से यू कैन डायरेक्टली यूज दीज रिकमेंडेशंस। ठीक है जी, बहुत सिग्निफिकेंट है, कीप देम रिटन विद यू। दैट इज द इंटायर थिंग दैट इज रिटन इन दिस पैराग्राफ, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। सेकेंड टॉपिक है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जी है शुरू हो गई है, प्रीलिम्स से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मालाबार एक्सरसाइज का थोड़ा बेसिक्स कर लवेंगे। ठीक है, 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अदर कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया, मेनली जापान ते ऑस्ट्रेलिया ने इन्हों ज्वाइन किया। दैट मीनस टुडे 4 कंट्रीज है मालाबार द मैंबर, मालाबार एक्सरसाइज जो हर साल पार्टिसिपेट कर दिया ने, एंड यही 4 कंट्रियां जिहड़ियां है ये तुसीं देखो तो इंपोर्टेंट ग्रुपिंग क्वाड का भी मैंबर है। ठीक है। क्वाड अगर तुसी देखो ये मना करता है कि साड़ी कोई मिलिट्री एफिलिएशन या साड़ा कोई मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं है, वी आर नॉट अ मिलिट्री यूनियन तुसी कह सकते हो, वी आर जस्ट हेयर टू वर्क ऑन इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल लिविंग दे टॉपिक्स, ठीक है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक, ठीक है। दे हैव डिनाइड एनी मिलिट्री यूनियन, बट यू सी हेयर दे आर कंडक्टिंग अ मिलिट्री एक्सरसाइज दैट कंप्राइजेज all the four countries of Quad, right? So some people, some analysts see it as the military version of Quad also, right? Although we cannot say that countries are not accepting that. ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ purpose क्या है? Countries ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ basically ਕੋਈ disaster ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ prepare ਕਰ ਰਹੇ हैं by focusing on interoperability, ठीक है। समझ लो इंडो पैसिफिक 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਰੂਪਸ USA ਦੇ ਆ ਗਏ, ਕੁਝ ਟਰੂਪਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਓਪਨ ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲੋਗਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਾਬਾਰ ਉਸਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਆਲਦੋ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਨਾਈ ਇਟ, ठीक है। मेनली ये अपने प्रीलिम्स लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जी याद रखो, मैंबर्स कौन है एंड किस तरीके नाल ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। देखो कुछ समय पहले काफी ज्यादा ये कंसर्न उठ रहे सी दैट श्रीलंका विच इज अ वेरी क्लोज नेबर टू इंडिया, इट वॉज गिविंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स टू दी चाइनीज कंपनीज, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है हम्बन तोता पोर्ट, अ वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट हैज बीन अलोकेटेड टू चाइना बाय श्रीलंका, राइट। हुण कंसर्न्स क्या हो रहे सी कि जिन्ने प्रोजेक्ट श्रीलंका दई जा रहा है इंडिया नूं, इंडिया दी सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते ने। रीसेंटली श्रीलंका हैड शोड इंटरेस्ट कि यह आपदे नदरन मोस्ट आइलैंड्स विच कुछ एनर्जी प्रोजेक्ट्स देगा चाइना दी कंपनीज नूं, ठीक है। एदे रिगार्डिंग इंडिया ने काफी कंसर्न जताया क्योंकि चाइना विल बी सिटिंग सो क्लोज टू इंडियन टेरिटरी कि ये अपनी सिक्योरिटी नू थ्रेटन कर सकते हैं, ठीक है। सो हुण मैनू लगता है कि इंडिया दी डिप्लोमेसी जिहड़ी है वो इत्थे इफेक्टिवली वर्क कर रही है, दैट इज वाई यू आर सीइंग कि इन्हां तीन नदरन आइलैंड्स दे विच श्रीलंका ने प्रोजेक्ट्स जिहड़े है चाइना नू कढ के इंडिया नू दे दित्ते ने, राइट। तुसी जाफना प्रोविंस का नाम सुनिया होएगा, हेयर जाफना प्रोविंस द नदरन मोस्ट एरिया ऑफ श्रीलंका विच इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया, तुसी कह सकते हो कुछ फ्यू किलोमीटर्स का ही फासला है। एंड दिस जाफना हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट was earlier proposed to be given to a Chinese company, but now we are seeing that Sri Lanka has denied giving such products to Chinese companies and rather they have involved India, ठीक है। इंडिया ने वैसे भी इन्होंने $12 million दी ग्रांट दिती हुई है, सो दे विल यूज दिस ग्रांट टू पे दी कंपनीज, द इंडियन कंपनीज दैट विल वर्क इन दिस एरिया, ठीक है। सो मतलब इंडियन डिप्लोमेसी अच्छे तरीके नाल वर्क कर रही है साडे सिक्योरिटी इंटरेस्ट नू इंश्योर करन लई, दे हैव सक्सेसफुली टाइड विद श्रीलंका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर तुसी पहला पढ़िया होगा तुसी ये एग्जाम्पल में भी लिखी होवे कि जाफना हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट जिहड़ा चाइना नू दे दिता गया है, so now you need to change that fact, right? Next topic, no confidence motion, so ये कंसीडर किया जा रहा है 28 नू पास किया जाएगा मोदी गवर्नमेंट दे अगेंस्ट। अपने लिए ये बेसिक्स जरूरी है, जीएसटी प्रीलिम्स लिए क्वेश्चन आएगा। सो बेसिक क्या है, देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन जिहड़ा है, नोवेयर इट इज मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, बट आर्टिकल 75.3 अपना कॉन्स्टिट्यूशन दा वो क्या कहता है कि जिहड़ी गवर्नमेंट है, जिहड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इट इज बेसिकली गवर्नमेंट, ये जिहड़ी है कलैक्टिवली रिस्पोंसिबल है लोक सभा, राइट। कहने का क्या मतलब है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू इंजॉय कॉन्फिडेंस इन लोक सभा, ठीक है। अगर लोक सभा के मैंबर्स मिल के ये रेजोल्यूशन पास, ये मोशन पास कर देंगे है कि दे डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स जिहड़ी गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 75.3 नू सैटिस्फाई नहीं कर पा रही, इट विल हैव टू रिजाइन इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड, ठीक है। सो अपने लिए ये बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट ने। नोवेयर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द आर्टिकल 75.3, ठीक है। एक मोशन ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸਪੋਰਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। अगर opposition party 50 supporters गैदर कर लंदी है then the motion can be introduced, ठीक है। ये motion सिर्फ लोक सभा च इंट्रोड्यूस किया जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट जी अपनी बेसिकली लोक सभा विच रिप्रेजेंटेड होंगी है, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेनली लोक सभा दे विच रिप्रेजेंटेड होंगी है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोक सभा च ही इंट्रोड्यूस होंदा है। ते अगर सिंपल मेजोरिटी नाल ही पास हो जाता है then government must resign from its position, ठीक है। इनू सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए है, कोई स्पेशल तरीके की मेजोरिटी नहीं चाहिए है, जस्ट स्ट्रेट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस इफ दे वोट इन फेवर ऑफ द मोशन देन द गवर्नमेंट विल हैव टू मैंडेटरली रिजाइन। मैंडेटरी है, इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट कि वो मोरल ग्राउंड्स पे रिजाइन करे, दैट इज नॉट सो, बट इट इज मैंडेटरी, राइट। So this is all about your non-confidence motion can be asked in prelims. Finally, parliamentary panel ने again एक parliamentary committee जड़ी है that is working on election reforms and इसने recommend किया है कि आपने देखो presently जो अगर तुसी लोक सभा दे elections विच खड़ा होना चाहते हो as a candidate और राज्य सभा दी इलेक्शंस च खड़ा होना चाहते हो या इवन लोकल बॉडीज दे इलेक्शंस विच खड़ा होना चाहते हो तो दैन देयर आर एज रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। जिवें लोक सभा विच द एज रिस्ट्रिक्शन इज 25 ईयर्स, तुसी घट्टो घट 25 साल के होने चाहिए हो टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन लोक सभा, तुसी घट्टो घट 30 ईयर्स के होने चाहिए हो टू स्टैंड टू बी इलैक्टेड इन राज्य सभा। इसे तरीके नाल लोकल बॉडीज विच I think 21 years है minimum age, please इन्हें check कर लियो, I'm not sure but mostly this is 21 years, ठीक है। तो हुन पार्लियामेंट्री पैनल क्या रिकमेंड कर रही है कि एज जी है काफ़ी ज़्यादा वड्डा क्राइटेरिया है, ते आपां एज जी है लिमिट काफ़ी ज़्यादा रख सकती है। They said that we should consider on reducing this age जी is required to contest the elections, ठीक है। इलेक्शंस विच खड़े होने लई जिहड़ी एज आप रखी हुई है काफ़ी ज़्यादा है, सो वी शुड ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन, राइट। सो ये रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री पैनल ने दिती है, बट देखो ये रिकमेंडेशनस पहला भी दे दित्तियां गई है बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन रिजेक्ट ऑलरेडी की हुई है बिकॉज दे थिंक कि मैच्योरिटी जिहड़ी है उन्नी इंसान विच नहीं आंदी टू हैंडल पोजिशंस लाइक MP ऑफ लोक सभा और राज्य सभा। तो जैसे कि इन्नी आप 18 सालों से या 20 सालों से एक कंटेस्ट करने दी इलेक्शंस दी एज नहीं कर सकते, राइट। सो लेट्स सी कि क्या होंदा है। वैसे कमेटी कह रही है कि सानू इस तो अच्छा सिविल एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए है अबाउट इलेक्शंस टू मेक पीपल रेडी एट द अर्ली एज टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस रादर दैन नॉट लोअरिंग द एज, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल रिकमेंडेशन। अगर यह बहुत बड़ी डिबेट बन जाती है इन अपकमिंग डेज दैन दिस टॉपिक विल बी वेरी रेलिवेंट फॉर अवर एग्जाम्स। अगर ये न्यूज़ इत्थे ही खत्म हो जाती है दैन इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस जर्नी ओवर द ईयर्स, आई हैव लर्नड अ लॉट, so I can share the same wisdom with you. So if you are facing any issue, talk to me and we'll discuss your concerns. Thank you so much for joining.